है स्लो देखो तो ठीक है। ये हमने ना ये फ्रंट व्हील ड्राइव गाड़ी है, दोनों इस टायर में बांध दिया, पीछे के दोनों टायरों में बांध दिया। बहुत मजा आ रहा है स्नो के अंदर गाड़ी चलाने का। गुड मॉर्निंग दोस्तों, सबका स्वागत है मेरे चैनल व्लॉग गैलरी ऑफ हरजीत पर। हम लोग हैं सोलांग वैली, हम चार दिन पहले आए थे, खूब स्नो एंजॉय की। 3-4 फीट पहले की गिरी थी और 4-5 फीट बाद में गिरी। इतनी स्नो लास्ट 8-10 सालों से आने के दौरान मैंने नहीं देखी जो आज और इन दिनों में मैंने देखी। 4x4 व्हीकल ही ऊपर आ पा रहे थे तो टूरिस्ट लोग यहाँ पर बहुत कम थे। 4x4 जो जिन गाड़ियों के चारों टायर चलते हैं, जिसमें जिप्सी, इंडेवर, फॉर्च्यूनर, थार और रेंगलर, और काफ़ी जो स्नो लवर हैं जो यहाँ पे ऑलरेडी आए हुए थे उनको वापस लगाने के लिए यहाँ के लोकल जो जिप्सी व्हीकल होते हैं 4x4 वही जा रहे थे। तो मैंने यहाँ पे आके एक चीज़ ऑब्जर्व की कि हमारी गाड़ी नीचे नहीं जा सकती। तो मैं लास्ट कुछ सालों के एक्सपीरियंस को आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मैं आप देख रहे हो कि मैं यहाँ एक रस्सी से अपने टायर को स्नो चेन के रूप में बांध रहा हूँ, और मैंने ये डिसाइड किया कि मेरे को मिनिमम 3 टायरों में बांधनी चाहिए क्योंकि हमें नीचे की तरफ जाना है और हमारे को ब्रेक, हैंड ब्रेक ज़्यादा यूज़ होगी, और इसलिए मैंने अगले टायर में एक जगह और पिछले दोनों टायरों में ये रस्सी बांधी है। और ये रस्सी मेरे को एक टायर में 12 मीटर तक यूज़ हुई है और मैंने बैकअप के तौर पर चारों ही रखी हुई थी क्योंकि ठंडे मौसम में रस्सी ब्रेक भी हो जाती है। आगे आप 4x4 गाड़ी को भी स्ट्रगल करते हुए देखने वाले हों, और यहाँ पर दिक्कत एक नहीं है, बहुत सारी हैं। ब्लैक आइस हो जाती है दिन में जो स्नो गिरती है, उस वक्त तो नहीं मालूम होता है, लेकिन रात को जब वो पानी और स्नो एक तरीके से हार्ड सरफेस बन जाता है, और उस दौरान 4x4 व्हीकल को भी स्नो चेन के सहारे से नीचे जाना होता है तो गाड़ी घूम जाती है। आपको कई तरह की वीडियो पहले भी आपने देखी होंगी, और मैंने अपनी सेफ्टी को ध्यान में रख के कदम उठाया और हमें बहुत ही मदद मिली इसके साथ। तो इस तरह से हमारा स्नो चैन भी कंप्लीट हो गया। हाथ पूरे हाल है, लाल हो गए ठंड से। लाओ करते हैं थोड़ा। ये है स्नो, देखो तो ठीक है। ये हमने ना ये फ्रंट व्हील ड्राइव गाड़ी है, दोनों इस टायर में बांध दिया, पीछे के दोनों टायरों में बांध दिया क्योंकि हमें नीचे डाउन में जाना है, तो हैंड ब्रेक काफ़ी काम करेगी बार बार हमें चाहिए, तो इससे थोड़ी सी ग्रिपिंग मिलेगी मेरे को। स्नो देखो कितनी ऊपर है, ये 10 इंच और इसके ऊपर कितनी स्नो है, ज़्यादा दूर तक नहीं जाएगी, ये मनाली के बाद अपने आप मेल्ट हो जाएगी। यहाँ से मनाली का टेम्परेचर काफ़ी डाउन है, कहने को तो स्नो गिर रही है यहाँ पे, वहाँ कितनी होते अंकल नमस्ते। अंकल क्या हाल है आपके? ख्याल सर, बोलो सर। ड्रेस बड़ी मजेदार थी, हमें भिगो रही है लेकिन उसने अभी मैं दे रही हूँ ना इन्होंने। अरे वाह क्या बात है, 12 को डील बहुत बढ़िया रही। अभी नहीं सुना नंबर वन है वो शूज मारी है वो, और नहीं तब भी तेरे को लगे। एक्चुअल में ये वीडियो मैं आपको पहले अपलोड करके ये बताना चाहता हूँ कि आपको अगर स्नो का पीरियड जैसे अभी चल रहा है, अभी आपको ऊपर आना है, तो ये कम से कम मिनिमम जो तैयारी है इतनी सी जरूर करके आएँ। मैं अब अभी और नेक्स्ट व्लॉग जो भी डालूँगा अपनी पूरी मनाली सोलांग वैली टूर की, जो हमारा सीज़न है 3 या 4 व्लॉग मैं इसमें देने वाला हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि आपको ये व्लॉग के जरिए आपको कुछ जानकारी मिले, जैसे आप अभी देख रहे हो कि 4x4 गाड़ी ही ऊपर आ रही है, और वो भी लोकल ही है, यहाँ पे कोई भी टूरिस्ट की गाड़ी 4x4 आउटसाइडर लोगों की नहीं आ पा रही है। टूरिस्ट
रोक दिए जाते हैं मनाली में नीचे ही। एडमिनिस्ट्रेशन नहीं चाहता कि कोई भी मिस हैपनिंग हो। जैसे भी आप देख रहे हो कि एक रास्ता साफ कर रही है, सोलांग वैली का ग्राउंड और नेहरू कुंड तक के बीच में 3-4 जेसीबी लगी होती हैं अटल टनल की रूट पे, और मनाली से ऊपर आने के रास्ते में जगह जगह पे जेसीबी अपना काम कर रही है। सुबह से ही ट्रैफिक आना शुरू हो जाता है, ट्रैफिक जाम हो गया। अभी आप देखो फॉर्चूनर तक 4x4 गाड़ी होने के बावजूद भी ऊपर नहीं आ पा रही है। ज़रूरी नहीं है कि गाड़ी ही अच्छी हो, गाड़ी के साथ साथ में ड्राइवर का जो स्किल भी बहुत अहमियत रखता है, और हर आदमी को ये चीज़ें नहीं आती हैं। रोड स्नो के कारण जितना चौड़ा है तो उसका आधा रह जाता है, और ब्लैक आइस जो आप नीचे सेंटर में पानी की मात्रा थोड़ी ज़्यादा है यहाँ पे, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा और नीचे पानी की रेशियो बढ़ जाएगी तो वो ब्लैक आइस में कन्वर्ट हो जाती है, और इसमें किसी भी गाड़ी का ग्रिप नहीं बनता। और जो गाड़ी छोटी है या बड़ी है, उन सब गाड़ियों को यहाँ पे कोई भी रोड सेंस जो बाकी जगह पे चलाने का है और पहाड़ों का रोड सेंस बिल्कुल ही अलग यहाँ पे अप्लाई करना पड़ता है। और ये चीज़ें सीख के समझ के यहाँ पे आएँ और सेफ्टी को अपने सर्वप्रथम रखें। जैसे मैंने आपको बताया कि ये ब्लॉग मेरा सिर्फ एक इंडिकेटिव है, अगर आप स्लो लवर हैं और ऊपर आके स्लो एंजॉय करना चाहते हैं और बिल्कुल ठीक ठाक घर वापसी चाहते हैं, तो ये कुछ मिनिमम जो तैयारी है ये करके आएँ। नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगले 2-3 जो ब्लॉग आने वाले हैं इसके लिए मेरे को ज़रूर प्रमोट करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।